नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिंकू सिंह राजपूत के जीवन के बारे में। तो जो दोस्तों अब तक आप लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, रिंकू सिंह राजपूत एक भारतीय पेशेवर पहलवान है। वर्तमान में इन्होंने WWE कंपनी के साथ अनुबंध किया गया है। वह WWE के NXT रिंग ने कुश्ती लड़ते हैं। रिंकू सिंह का चयन जनवरी 2018 में एक और भारतीय WWE पहलवान सौरव गुर्जर के साथ दुबई में आयोजित WWE टाई आउट में हुआ था। अब हम जानेंगे रिंकू सिंह जन्म और प्रारंभिक जीवन के बारे में। तो दोस्तों, रिंकू सिंह राजपूत का जन्म 8 अगस्त 1988 को लखनऊ भद्रोही के एक ग्रामीण गांव में हुआ था। उनका परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था। रिंकू सिंह गरीबी में पले बड़े हैं। उनके पिता एक ट्रक ड्राइवर है। रिंकू सिंह एक बेसबॉल खिलाड़ी थी। वह बेसबॉल के पहले भारतीय पेशेवर खिलाड़ी है। उन्होंने अमेरिका में भारत की ओर से 10 साल तक बेसबॉल खेला है। रिंकू सिंह भारत के सर्वश्रेष्ठ बेसबॉल खिलाड़ियों में से एक है, जिन्होंने मिलियन डॉलर आर्म की प्रतियोगिता भी जीती थी, जिसके बाद मिलियन डॉलर आर्म फिल्म के हिस्से के रूप रिंकू सिंह में दुनिया भर में ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने NXT में अपनी कुश्ती करियर की शुरुआत की। उन्होंने फुल सेल यूनिवर्सिटी टीवी टेप में सिंह मलूटा के साथ कुश्ती की थी। अब हम जानेंगे उनके बेसबॉल करियर के बारे में। तो दोस्तों, बेसबॉल भारत में अधिक लोकप्रिय नहीं है, लेकिन अन्य देशों में बेसबॉल एक बहुत लोकप्रिय खेल है। बेसबॉल रिंकू का पसंदीदा खेल है। वह बेसबॉल में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है। रिंकू सिंह के जीवन पर मिलियन डॉलर की आर्म बायोपिक बनी है, लेकिन अब रिंकू सिंह बेसबॉल नहीं खेलते हैं क्योंकि उन्होंने बेसबॉल खेलना छोड़ दिया है। अब उन्होंने WWE को साइन कर लिया। वह अपने WWE प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए WWE प्रदर्शन केंद्र में है। WWE के साथ उनका अनुबंध 3 साल के लिए है। तो दोस्तों, आज हमने जाना रिंकू सिंह राजपूत के बारे में। तो जो दोस्तों आपको अगर ये मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ऐसे नए वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।